CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ रानीपुर बाजार। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। खुद को नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामशक्कत भुगतनी पड़ी। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलिशान रेस्तरा। मकबूल उन दुकानों पर बैठा मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में, न चीजों की कीमतें याद न कपड़ों की पहनाई का पता। हां, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जबानी याद रहते। गल्ले का हिसाब किताब सही, शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुरका पहने औरत और बकरी का बच्चा, अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने फौरन अपनी चोली में डाल लिया। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तेहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के जमाने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तेहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर के गली कूचों से गुजरता। फिल्मी इश्तेहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा, मराठा योद्धा हाथ में खिंची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था, वही रंगीन चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, रंग रोगन क्यों दिलाते। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीधा अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर और अपनी दो स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिंटेड पेपर पर गुआश वाटर कलर। इस इत्तेफाक की मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता। 1933 में बेंद्रे ने कैनवास पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। बैकबॉन्ड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा।
सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक, रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बॉम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकेंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्रनाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजर्बे से शुरू हुई। बात आगे बढ़ी नहीं, बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताजा रहा। बड़ौदा पहुंचकर वो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बंबई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि ये आर्ट का शगल राजे महाराजों और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और जरूरत थी आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचे। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न एक, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं कैसे? प्रश्न दो, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा? प्रश्न तीन, लेखक जन्मजात कलाकार है, इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहां उद्घाटित होता है? प्रश्न चार, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है? प्रश्न पांच, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। प्रश्न छह, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है? प्रश्न सात, इस पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर आई हैं? शब्द अर्थ और टिप्पणी। शब्दार्थ और टिप्पणी। मजहबी यानी धर्म विशेष से संबंध रखने वाली या वाला। पाकीजगी अर्थात शुद्धता, पवित्रता। अर्के तिहाल यानी यूनानी दवा का एक नाम। सालन अर्थात शोरबादार तरकारी, रसेदार सब्जी। हीले यानी बहाने, टालमटोल। अत्तर अर्थात सुगंध, इत्र। दिलकश यानी मन को लुभाने वाला, चित्ताकर्षक।
पोर्ट्रेट अर्थात हाथ की बनी तस्वीर, मेहतरानी अर्थात सफाई का काम करने वाली स्त्री, स्केच यानी चित्र, सिजदा यानी माथा टेकना, खुदा के आगे सर झुकाना, टिंटेड पेपर अर्थात चित्रकला में प्रयुक्त होने वाला कागज, रोशन ख्याली यानी आजाद ख्याली, खुले दिमाग का, अच्छे ख्याल रखने वाले, रिवायती यानी पारंपरिक। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।